Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. रूसी सफारतकार जासूस हैं। यूक्रेनी रुकन पार्लियामेंट का रूसी सफारतकारों को कनाडा से निकालने का मुतालबा। कैनेडियन ओहदेदार की रूसी सफारतखाने में तकरीब में शिरकत। कनाडा में वैक्सीनेशन की पाबंदियों में नरमी। हुकूमत ने कोविड अलर्ट ऐप भी बंद करने की तैयारी कर ली। हुकाम का कहना है कि लोगों की आसानी के लिए मजीद इकदाम करेंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला हो गए। ट्रूडो का कहना था कि पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल करते हुए खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। इससे कबल जनवरी में ट्रूडो का कोविड टेस्ट मस्बत आया था। जंग के बावजूद भी रूस को बरामदात से रिकॉर्ड मुनाफा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग के बावजूद रूस को 93 बिलियन यूरो का मुनाफा हुआ। भारत रूस से तेल दरामद करने वाला सबसे नुमाया मुल्क। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Canada में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर रब्ता कीजिए। यूक्रेन की एक रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि कनाडा को रूसी सफारतकारों को घर भेजना चाहिए। उन्हें लगता है कि रूसी सफारतकार दरअसल जासूस हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की एक रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि कनाडा को रूसी सफारतकारों को घर भेजना चाहिए। यूक्रेनी रुकन असेंबली योवीनिया कार्चिक ने कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि रूसी सफारतकार दरअसल जासूस हैं। उनके ये तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आलमी उमूर कनाडा ने ऑटोवा में रूसी सिफारत खाने में रशियन डे की तकरीब में एक अहदेदार शिरकत के बाद रद्द अमल का इजहार किया। वजीर खारजा मिलानिया जूली ने शिरकत पर तनकीद की। कैनेडियन वजीर खारजा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कनाडा के किसी भी नुमाइंदे को रूसी सिफारत खाने में मुनक़द होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी और कोई भी कनाडा का नुमाइंदा दोबारा इस किस्म की तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने मुल्क में हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में सफ़र के साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाले बैनुल अक्वामी सफ़र के लिए कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट के खात्मे का ऐलान किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने मुल्क में हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में सफ़र के साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाले बैनुल अक्वामी सफ़र के लिए कोविड-19 वैक्सीन के मैंडेट के खात्मे का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत कोविड अलर्ट ऐप को बंद कर रही है जबकि कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन ऐप को इस हफ्ते के अवाइल में ख़त्म किया जा सकता है। इस फैसले की बराह रास्त मालूमात रखने वाले ज़राए के मुताबिक जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मुकामी चैनल को बताया कि वायरस की कोई नई किस्म आने की सूरत में हुकूमत वैक्सीन की ज़रूरत को बहाल कर सकती है। हुकूमत पर अपोजिशन जमातों के साथ साथ सनती तंजीमों का दबाव है कि वो हवाई अड्डों पर ताखीर और लंबी लाइन अप के जवाब में सेहत आमा के कुछ इकदामात में नरमी करे। पिछले हफ्ते वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो हवाई अड्डों पर बेतरतीब कोविड-19 टेस्टिंग को मुअत्तल कर रही है। इस वक्त कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ओटावा हवाई अड्डे की भीड़ से निमटने के लिए दीगर इकदाम कर रहा है जैसे कि मजीद सिक्योरिटी स्क्रीनिंग अहलकारों की खिदमत हासिल करना और टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजीद कस्टम क्यूसिक शामिल करना। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला हो गए जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला हो गए जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और वो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल करते हुए खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। वो बेहतर महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन की
खुराकें लगवा रखी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवा लें। आए सब मिलकर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, एक दूसरे और अपने आप का तहफ्फुज़ करें। ख्याल रहे कि रवां बरस जनवरी में भी जस्टिन ट्रूडो का कोरोना टेस्ट उस वक्त मुस्बत आया था जब उन्होंने अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में समिट ऑफ अमरीकास में जो बाइडन से मुलाकात की थी। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग के पहले 100 दिनों में मादनी ईंधन की बरामदात से 93 बिलियन यूरो कमाए। तेल की ज्यादातर बरामदात की मंजिल यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक थे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के बावजूद मास्को को ईंधन की बरामदात में 93 बिलियन यूरो का मुनाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग के पहले 100 दिनों में मादनी ईंधन की बरामदात से 93 बिलियन यूरो कमाए। तेल की ज्यादातर बरामदात की मंजिल यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक थे। फिनलैंड के इदारे सीनियर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट एक ऐसे वक्त पर शाया हुई है जबकि हुकूमत मगरबी ममालिक से मास्को के साथ तजारती रवाबत खत्म करने का मुतालबा कर रही है। रवां माह के आगाज में यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल की दरामद बंद करने का अक्सरियती फैसला कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की जंग के पहले 100 दिनों में रूसी ईंधन की कुल बरामदात का 61% हिस्सा दरामद किया। इस ईंधन का सबसे बड़ा गैर यूरोपीय दरामद कुनंदा मुल्क चीन था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से तेल दरामद करने वाला सबसे नुमाया मुल्क है। इन 100 दिनों में भारत ने रूसी ईंधन का 18% हिस्सा दरामद किया है जबकि रूस यूक्रेन जंग के 100 दिनों में चीन रूस से फॉसिल फ्यूल दरामद करने वाला सबसे नुमाया मुल्क रहा है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टेक टीवी।